चलिए क्लास 11 स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका 8 का ए जो है, कल बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन करा था लेकिन गलत करा था, तो आज मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन इजी है, समझिए। एलएचएस और आपका आरएचएस अपन सबसे पहले लेते हैं। एलएचएस साइन इसकी, एलएचएस में हमारे गिवन है साइन ए माइनस बी अपॉन कोस ए कोस बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन में है कोस बी कोस सी प्लस ए साइन सी माइनस ए अपॉन में आ जाएगा कोस सी और कोस। ठीक, अब क्लियर चाह रहे आपको, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपके को साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले याद रखना है, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। सबको लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हो रहा है? ठीक है, दिख रहा है। तो हमने यहाँ साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करी, क्या है आपका साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, अपॉन में क्या है सर आपने कोस ए और कोस बी प्लस वापस साइन बी माइनस सी हो जाएगा साइन बी यानी साइन ए वापस कोस बी और अपना कोस में क्या हो जाएगा सी है यहाँ पर तो कोस सी माइनस फिर वापस साइन ए कोस से आता है तो कोस और ए कितना है बी है और साइन सी हो जाएगा अपॉन में क्या चल रहा है इसके कोस बी और कोस सी सिमिलर ऐसे लास्ट वाले के लिए फिर वापस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो साइन ए यानी सी और कोस बी फिर माइनस अगला कोस के लिए बी हो जाएगा यानी कोस ए सॉरी कोस सी और हो जाएगा साइन ए और अपॉन में लिखा आपने कोस सी और कोस ए। ठीक, अब अगली स्टेप क्या होगी तो हर एक के साथ अलग अलग दो इसको बेस को न्यूमरेटर जो आपको ऊपर और नीचे डिनोमेटर जो है तो डिनोमेटर को हर के साथ अलग अलग दो तो इसके साथ एक बार ये आ जाएगा यानी साइन ए कोस बी अपॉन में आ जाएगा कोस ए कोस बी सिमिलर इसके साथ माइनस का कोस ए साइन बी और अपॉन में कोस ए कोस बी सिंगल इसके साथ भी होगा प्लस साइन बी कोस सी अपॉन में कोस बी कोस सी सिंगल यहाँ पर भी माइनस का कोस बी साइन सी अपॉन में हो जाएगा कोस बी और कोस सी ऐसे यहाँ पर भी स्टेप प्लस साइन सी कोस ए इसके अपॉन में कोस सी और कोस ए माइनस फिर इसके अपॉन में आ जाएगा क्या हो जाएगा आपका साइन ए और कोस सी अपॉन में है कोस सी और कोस ए सबके अलग अलग होते। अब कुछ कैंसिल होता देखो, देखिए कोस बी से कोस बी कट गया, यहाँ पर कोस ए से कोस ए कट गया, यहाँ पर कोस सी से कोस सी कटा, यहाँ पर कोस बी से कोस बी, यहाँ पर कोस ए से कोस ए, यहाँ पर कोस सी से कोस सी, कैसे हो रहा है? तो बचा क्या साइन अपॉन कोस यानी टेन ए माइनस साइन अपॉन कोस बी यानी टेन बी प्लस साइन अपॉन कोस बी यानी टेन बी साइन से अपॉन कोस सी यानी टेन सी साइन से अपॉन कोस सी यानी टेन सी ने बचेगा साइन अपॉन कोस यानी टेन ए। ठीक, वापस देखो, देखिए प्लस का टेन ए और माइनस का टेन ए दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, माइनस का टेन बी और प्लस का टेन बी ये भी कैंसल, माइनस के टेन सी प्लस का टेन सी ये भी कैंसल, तो सब कैंसल होकर क्या आ गया जीरो और अपने को राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना था जीरो, तो ये आपका राइट हैंड साइड जीरो। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा अपने को फॉर्मूला एप्लाई करना था। ठीक, तो इस तरीके क्वेश्चन आपकी बुक में तो आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है।